मेरे दोस्तों, ये है जंगल बाबा जंगल। अबे दे 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 दे, अरे सालो देखे बाइकर्स के लिए रोड पर ऐसी ये देखो रोजो आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ के मालिक रोजो जी। जाए। और ये कुछ नजारे आपके सामने, हम लोग जा रहे हैं तो ऑटो वाले उधर लॉन्ग उल्टी साइड आ रहे हैं, 10 या 5 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। इन लोगों ने तो बोला है फिलहाल, लेट्स सी पिथौरागढ़ गणपति को। देखो पहाड़ कितने बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ से। अब फिर से हम एक पहाड़ी पे चढ़ते हुए, पहाड़ पे चलाने में मजा आती है भाई। ओ भाई ये कर रहे तगड़ा। ये देखो इनकी गाड़ी गई तो यही डर लगता है साला, ऐसी जगहों पर गाड़ी बंद हो जाना। अभी पत्थर गिरे थे भाई, ये देखे थे उनको, लग रहा देखते देखते पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं आगे पहाड़ तगड़ा। ये कुछ नजारा है आपके सामने, देखो कहां से हम लोग प्लेन से ऊपर आ गए, इतना क्या व्यू है भाई, एकदम शानदार शानदार जानदार। हमें तो बस गाड़ी चलाने में मजा आ रही है पहाड़ों पे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वाटरफॉल ऑल। ओ भाई साहब ये देश। तो भाई हो गया 2 मिनट का ब्रेक, 500 मीटर है वाटरफॉल, देखते हैं कैसा वाटरफॉल है। ओ भाई ईटा गिरा है ऊपर से आके ये वाला। ये देखो नजारा भाई साहब तगड़ा। किधर है वाटरफॉल? हमको दिख तो नहीं रहा है भाई कहाँ है। तो भाई देख लो ये कुछ नजारा है, ऊपर आ गए हैं, थोड़ा पहाड़ पे चढ़े हैं। ये सब बताया जा रहा है यहाँ से लेके ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक सब बाघ का एरिया है, इसीलिए डंडा डंडा लेके जाओ कि भाई बाघ वाघ कभी भी आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल अच्छा कार नहीं, हम तो बाइक से हैं। नहीं चलती बाइक पे भी नहीं अटैक कर। ये कुछ देखो यहाँ पे, अरे गजब क्या नजारा है भाई, बेहतरीन। ये देखो दूर तक कुछ भी नहीं, देखो फिर से पूरा घूमते घामते पता नहीं कहाँ से फिर हम लोग को वही प्लेन में जाना है। देख लो वही पहाड़ अच्छे हैं, मिलते हैं आगे। दूर से ये कुछ नजारा है, और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर की ओर। होय होय होय, उतरने में तो भाई सटा सट मजा आती है। यहाँ क्यों आए थे हम लोग? वाटरफॉल भी नहीं देखा है, टाइम वेस्ट कर लिया है। अभी आधा स्टेज, कितना स्टेज हम लोग कंप्लीट कर गए होते। हाँ तो ये कुछ नजारा है भाई, कितना सही सीन दिख रहा है यहाँ से, देख सकते हो आप। हाँ सुकून है भाई यहाँ पे तो बाइक चलाने में। वाइजर के पीछे एकदम भाई साहब बेस्ट भी है, मजा आ जाती है। पता नहीं मेरी आवाज इसमें कैसी आ रही होगी, विंड नॉइस कैसा होगा, आई होप विंड ज्यादा ना हो क्योंकि फिर कैसे बातचीत होगी, क्योंकि
कितनी बातें मैंने इस ट्रिप पे करी हैं। बस देखो आई होप भगवान की दुआ है, माता पूर्णागिरी ये ट्रिप अच्छी रहा है मेरी। बाकी ये देखिए हम लोग पहाड़ से आ गए पीछे से, और ये रहा मेन जो आपका इधर से लेफ्ट मुड़ेंगे तो पूर्णागिरी आता है। बाकी सीरतगंज टनकपुर हाईवे है ये NH 125, और यहाँ से फिर चलते हैं। ये देखो ये है पूर्णागिरी मंदिर, यहाँ से जाते हैं लेफ्ट। अब हम सीधे जा रहे हैं लखनऊ की ओर, मिलते हैं आगे। अब प्लेन है, अब तो भगानी है गाड़ी, 80-100 पे चलेगी, और क्योंकि हम लोग को जंगल वार करना है मेन दुधवा वाला। फिर आगे देखते हैं। तो ये है जंगल, खटीमा के बाद शुरू हो चुका है। अभी लगभग मुझे लगता 50 किलोमीटर होगा, इसको क्रॉस करना है, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। ओहो, तो भाई साहब ये है जंगल, जंगल जंगल में मंगल करेंगे, और जंगल में मंगल करेंगे। हाँ पिछवा दर्द हो जाता है भाई। जंगल में मंगल करेंगे करेंगे करेंगे। इसके बाद जो यहाँ से रोड इधर गई है ना भाई, अतः खराब रोड है, अतः कुछ कह नहीं सकते, इतनी ज्यादा खराब रोड है। खैर कोई नहीं, चलो चलेंगे, देखते हैं धीरे धीरे निकलेंगे। खैर ये तो पार हो गया, दिन में ही पार हो जाएगा, फिर तो आराम से पूरा पूरा हाईवे है, कोई टेंशन नहीं है। पूरनपुर 46 किलोमीटर। मेरे दोस्तों ये है जंगल, बाबा जंगल। मोर मोर है, सही है, मोर दिख गया देखो वहां पे। मोर मोर बाज यहाँ नहीं दिखेगा। भाई साहब ये देखो नदी 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 नदी, ये कुछ नजारा है। हमने तो बढ़िया जैकेट अपनी निकाल के सीट पे रख के गद्दी बना लिए, अब मामू लाए मुझे मजा आ रही बैठ के। 5 घंटा दिखा रहा है, टाइम हो रहा है 3-4 बज रहा है। कितने किलोमीटर है? 260। खाली है पूरी। ये रोड में अपने बाइकर कम्युनिटी को परोसता हूँ। बाइकर्स के लिए रोड परोसी जाए। यहाँ पे फॉल है, फॉल देखो फॉल, इसको मैं दिखा देता हूँ ब्लॉग में। चलो जब तक तुम आ रहे तब तक एक बार मैं अभी फॉल तो तगड़ा है भाई। हाँ देख ले, 2 मिनट टुकड़े में जा रहा है। मगरमच्छ है क्या ये? नहीं लकड़ी, लकड़ी पड़ी है। ये व्यू देखो गजब है ना, बेहतरीन बेहतरीन। इधर से देख लेते हैं, अबे यार ये एक फॉल था यहाँ पे, इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओ भाई ये है नजारा, ये देखो फॉल। चलो आ रहा हूं, कैसे से फॉल है ये, पानी कितना साफ है भाई, भाई एकदम क्लीन पानी नीचे दिख रहा है।
एकदम बेहतरीन नजारा। चलो एक काम करते हैं, दोनों भाई घुमा के लगाते हैं। यहाँ की नहीं, शायद दुआ वाली है जब हम लोग ने वहां जा रहे थे। हाँ पीछे हो, पीछे पीछे यहाँ पे खड़े हो। इंटरकॉम डिस्कनेक्ट है, तेरे को दबा रहा हूँ। ये कुछ व्यू है, नजारा है, ये आनंद है। ये देखिए आप ऐसे नजारे, इसी के लिए तो हम आते हैं। ये जंगल सफारी है। अबे देख कुछ जानवर है, ये लेफ्ट में, लेफ्ट में। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देख। अबे सुअर है मां, नहीं सुअर नहीं है, कुछ और है भाई। अबे कई है भाई, भाग गए भाग गए। अबे हैं बहुत सारे हैं। अबे दे 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 दे, और चलो देखिए बंदर नहीं है ये, कुछ और है। भाग नहीं, हमको देख के ही भाग रहे हैं। अभी खा खा रहे थे, निपटा रहे थे। थैंक्स फॉर द विजिट, मिलते हैं आगे आपसे दोबारा। ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अलविदा करते हुए हम लोग। फिलहाल देखो अभी हम लोग आ गए हैं, कहाँ के, पूरनपुर पे हैं, रमेश सिंह ढाबा है। ठीक है ये देखो, मिताली ने कुछ स्पेशल चीज़ ढूंढी है, वो वेज बिरयानी खा रही है। देखो वेज बिरयानी क्या है, ये देखो ये वेज बिरयानी है, सामने पैकेट दिखाओ, ये दिखाओ। ये तो ये बिरयानी तो नहीं है, लेकिन बिरयानी तो टेस्ट जरूर दे रहा है। ठीक है, अच्छा है, खा सकते। चाय आ गई, चाय पियो। ये कटिंग है, देखो आप चीयर्स करो। चीयर्स टू द ट्रिप। बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। नहीं है, दाल मखनी है, ये दाल मखनी है, और ये है कढ़ाई पनीर। खाना तो देखने में तो बेहतरीन लग रहा है यार, अब मजा आएगी खाने में। भाई साहब यार रोटी नहीं आ रही है, रोटी का इंतजार। चलो मैं आगे चल लो। चलो भाई जय बजरंगबली। पीछे लाइट बढ़िया जल रही। चलो भैया नाइट राइड अपनी शुरू। अब गर्मी नहीं, ठंडी नहीं लग रही है बिल्कुल, हवा कहीं कोई जोर नहीं है। आराम से चलेंगे, 6:06। अरे क्या कर रहा है, बैक रखिए, बैक कर रहा है ट्रक संभाल के। तो भाई टाइम हो रहा है 6:07 और हम लोग वापस निकल चुके हैं। अभी लगता हूँ 2000 बता रहा हूँ, 218 किलोमीटर दूर है, 211 सॉरी। और टाइम दिखा रहा है 4:03। देखते हैं आगे। भाई साहब चाय देखो मग्घा भर के है भाई। कैसी है कंपनी के, बताते कैसी है हालत, देख रहे हो। ओए होए होए बढ़िया चाय है। ये है मलवा ढाबा, देखो आई लव मलवा, आई लव हलवा। मलवा ढाबा है, ले चलो। देख के कैसे टेंशन में लगता है।
टाइम इस वक्त हो रहा है 7:21 और फिलहाल हम लोग अभी ढाबे पे बैठे हुए हैं। थकान हो गई है यार अच्छी खासी। और अभी भी लखनऊ मुझे लगता है होगा कितना, ये रही हमारी धरनो और लखनऊ है लगभग 180 किलोमीटर, अभी 161 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। और लगेंगे अभी देखो कितना टाइम, पहुँच के बताते हैं। थक गए यार, ये अच्छा है जगह, यहाँ पे अभी हम लोग ने चाय पी है। मालाबार ढाबा है, माल क्या है नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मालवा ढाबा मालवा ढाबा। ये देखो रोज़ो आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ के मालिक। रोज़ो जी, रोज़ो आ जाओ, आओ आओ रोज़ो आओ, रोज़ो रोज़ो है, रोज़ो है। ये अच्छा चोला कुत्ता है, ये बंद हो गया है क्योंकि आज चली गई है। शू अटैच अटैच, रोज़ो आ गया, जान तुरंत दौड़ते हुए आया। जैसे मैंने ब्लॉग शुरू किया रोज़ो जान गया कि यहाँ उसकी फ़ोटो आने वाली है। देखो रोज़ो इधर आओ, हाँ देखो 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 इधर देखो, रोज़ो रोज़ो स्मार्ट ही रोज़ो है जी, रोज़ो स्मार्ट है नहीं, रोज़ो ओवर स्मार्ट है, रोज़ो फोटोजेनिक है। जाओ रोज़ो, ये स्ट्रेच रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घोर अंधेरा और टाइम हो रहा है कितना 8:30 और इस वक्त हम लोग लखनऊ से हैं 109 किलोमीटर दूर, सीतापुर आने वाला है। और ये देखो अंधेरे का हाल, हाँ ये देखो देखा तेरा तो गाइस, हम लोग सीतापुर आ गए हैं, अंदर हो गए सीतापुर में, अब जा रहे हैं अभी हम लोग गलत रूट पर चले गए थे, वहाँ क्रिसमस चल रहा था, हाईवे बंद था, तो हम लोग को वापस भेज दिया गया, फिर एक दूसरे रूट से जा रहे हैं। पता नहीं क्यों गूगल मैप ने हम लोग को अंदर घुसा दिया है सीतापुर के, जबकि हम लोग को बाहर जाना था। भाई गूगल मैप रिलाई करने वाला नहीं है, धोखा दे देता है, वीडियो से चेक करते रहो यार, हाईवे की बजाय इन सिटी घुसा दिया। देखो आई लाई जाओ, नहीं चलो क्या अच्छा है भाई, बहुत उतारना पड़ेगा ठंडी का, तो आ ही गया। तो भाई साहब स्टॉप ले लिया है, देखो सीता अभी कितना है 40-44 किलोमीटर है, पीछे देखो क्या है, जनता ढाबा है, हालत बिल्कुल टाइट हो गई है। देख रहे हो जैकेट, तो दो वार्मर पहने, उसके बाद वो एक रेन लाइनर पहना हुआ था, उसके बाद चाहे रेन लाइनर पूरा गीला हो गया, भयंकर वो उसमें चलाया था। ये जनता ढाबा है सीतापुर के आगे, और फिलहाल हाथ तो कांप रहे हैं बिल्कुल, ठंड गजब है बिल्कुल, रास्ते में मज़ा आ गई, राइड ऐसी हो राइड हो तो ऐसी हो भाई, लेट नाइट आ रहा है, गाड़ी भी रिजर्व में आ गई है मेरी, लेकिन खैर पहुंच जाएगी अभी तो है। चेंज करवा लो, हम जाते ही हम ये लगवा लेंगे फॉग लाइट, बड़ी जरूरत पड़ी हमें आज, अब वो वाली लगवाएंगे डुअल वाली, डुअल वाली सही रहेगी ना, चीज मैं तुमसे करता है देखो, नहीं है तुम्हारे में हट जाता है ना, मैं बिना हटने वाला लगाऊंगा, कोई फायदा कोई फायदा नहीं है, बस चलो ठीक है, लगे जा रही अच्छी बात है, सेम रेट वही चल रहा है, देखते हैं बात करते हैं। ठीक है भाई मिलते हैं, चाय पीते हैं, बताते हैं। जनता ढाबा नाश्ता आ गया भाई साहब, जनता ढाबा का 15 अगस्त वाले दिन हमें कहीं से उठा दिया ना गाइस, ये आ गया है बिठौली चौराहा, बिठौली चौराहा बिठौली तिराहा चौराहा जो भी बोलो, अब यहाँ से हमारा घर होगा मात्र 3 या 4 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने जानकीपुरम में, राइड हो गई सक्सेसफुल, यस 700 किलोमीटर यार 2 दिन में, मजा आ गया यार, आई डिड।
क्या हाल है भाभी, लाइट जलाइए जरा। है नहीं, लाइट जलाइए।